समुद्र के नीचे हलचल, ये ज्वालामुखी फटा तो सब खत्म। समुद्र के नीचे मच रही है हलचल, समुद्र के पानी के अंदर भारी मात्रा में लावा उबाले मार रहा है। जिस दिन ये लावा धरती का सीना चीर कर बाहर आया, सब कुछ तबाह हो जाएगा। शायद हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज भी वैज्ञानिक समुद्र को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको समुद्र के सीने में दफन ज्वालामुखी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि जब तक सो रहा है तब तक सेफ है, लेकिन जिस दिन इसमें विस्फोट हो गया तो नुकसान का अंदाजा भी लगाना मुश्किल होगा। तो आज की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कैसा मंजर होता होगा? पहाड़ की ढलान से बहकर आता उबलता गर्म लावा जो अपने रास्ते में ही आ रही हर चीज को जलाकर भस्म कर देता है। राख के बड़े बड़े बादलों से काला हो चुका आसमान, चारों तरफ फैली इस जहरीली गैसें जिसमें सांस लेना भी दूभर हो जाता है। लेकिन ये तो केवल एक अनुमान है। आज तक किसी ने भी दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट को नहीं देखा है, क्योंकि दुनिया में होने वाले कुल ज्वालामुखी विस्फोटों के 80% केस समुद्र के नीचे होते हैं। जी हाँ, समुद्र की सतह में लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं। समुद्र की तलहटी की बात करें तो जिनमें पूरी धरती पर मौजूद कुल लावे का 75% से ज्यादा हिस्सा उबाले मार रहा है, लेकिन इनकी जांच करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि समुद्र के इतने भीतर जाकर इनके ऊपर रिसर्च करना आज तक संभव नहीं हो पाया है। एक बार एक हवाई यात्रा के दौरान एक यात्री ने समुद्र की सतह पर कुछ अजीब स्ट्रक्चर तैरते हुए देखे। ये घटना न्यूजीलैंड के समुद्र तट से कई हजार मील की दूरी पर हुई थी। दोस्तों, उस स्ट्रक्चर के फोटो क्लिक किए और उन्हें रिसर्च के लिए भेज दिया गया। रिसर्च से पता चला कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर जिनमें कुछ का आकार तो कारों के जितने बड़ा था, असल में ट्यूमस रॉक के टुकड़े थे जो कि समंदर के अंदर हुए अब तक के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से समुद्र की सतह पर आ गए थे। इस घटना के कुछ महीनों बाद सैटेलाइट से ली गई इमेजेस से पता चला कि ट्यूमर्स रॉक के स्ट्रक्चर्स ने समुद्र तल के ऊपर 2 न्यूजीलैंड जितना एरिया कवर कर लिया है। इससे पता चलता है कि ज्वालामुखी कितना विशाल होगा। समुद्र में मौजूद विशाल और एक्टिव ज्वालामुखी हावरे सीमांत समुद्र में मौजूद सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में अमेरिकी समूह और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है, जिसमें आखिरी विस्फोट 18 जुलाई 2012 में देखा गया था। इस घटना के 3 साल के बाद वैज्ञानिकों ने 2 ऑटोनोमस अंडरवाटर सबमरीन्स को इस ज्वालामुखी की जांच के लिए भेजा। उन्हें पता था कि यह विस्फोट सदी का सबसे भयानक विस्फोट था, और इतना बड़ा विस्फोट आज तक धरती पर मौजूद किसी ज्वालामुखी में नहीं देखा गया। लेकिन ज्वालामुखी की जांच करने पर वो हैरान रह गए। उन्हें वहां कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। जो उन्हें मिला कुछ सोचने चौंकाने वाला था। वैज्ञानिकों को ज्वालामुखी से मीलों दूर क्यूमेंस ब्लॉक्स के ढेर मिले, जिनमें से कुछ काफी बड़े आकार के भी थे। वैज्ञानिकों ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। पहले उन्हें लगा कि शायद उनकी इमेजिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, लेकिन जो हमने देखा वो सच था। असल में समुद्र की सतह में मौजूद ज्वालामुखी इंसानों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। वो अलग अलग जगहों पर होने की वजह से कई बार इंसानों की नजर में भी नहीं आते, लेकिन जब इनके अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है तो उनका ऊपरी भाग फट जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में खौलता हुआ मैग्मा बाहर आ जाता है, जो कि एक बड़े एरिया के पानी को उबालने के लिए काफी होता है। इस समय ये एरिया खौलते हुए पानी के बर्तन की तरह गर्म हो जाता है, और बाद में यही मैग्मा ठंडा होकर समुद्र की सतह पर तैरने लगता है। लेकिन इस उबलते हुए पानी की वजह से उसमें उस एरिया में मौजूद सभी जलीय जीव जंतुओं और वनस्पति पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसी वजह से यही पता चलता है कि हावरे वोल्केनो में होने वाले विस्फोट कोई आम घटना नहीं थी। इस विस्फोट की वजह से जो गड्ढा बना था वो 3 मील लंबा था, जो बड़ी विशाल मात्रा में लावा उगलता था। इस विस्फोट की वजह से न केवल क्यू रॉक्स जमा हो गए, बल्कि समुद्र के अंदर लावा और राख भी मिल गया। 2010 में आइसलैंड में हुआ ईवाई जेफ जेल ओजोकुल विस्फोट याद है? तब पूरे 6 दिन तक पूरे एरिया में राख का गुब्बार फैला था। कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, और हावरे वोल्केनो में विस्फोट इससे लगभग 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो आप सोच सकते हैं कि विस्फोट कितना खतरनाक रहा होगा। दोस्तों, भले ही हम ये कहें कि समुद्र के होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट में सीधे प्रभावित नहीं करते, लेकिन इनकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनकी वजह से पानी में एसिड घुल जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से भारी मात्रा में जहरीली गैसें रिलीज होती हैं, क्योंकि समुद्र के पानी और हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से समुद्री जीव मरने लगते हैं। सोचिए, अगर कभी समुद्र में मौजूद सभी 1 बिलियन से ज्यादा ज्वालामुखी एक साथ फट जाएं तो क्या होगा? पूरे समुद्र का पानी जहरीला हो जाएगा। पानी में घुली जहरीली गैसों की वजह से समुद्री जीव मरने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फूड चेन टूटने लगेगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि इस धरती पर रह रहे जीवों पर क्या असर पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है कि समुद्र के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम उससे अछूते रहेंगे।
जब इतनी बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट होंगे तो जाहिर सी बात है कि लावा भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से समुद्र में जगह जगह पर नए आइलैंड्स का निर्माण होने लगेगा। ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कि आज से 70 मिलियन साल पहले हुआ था। तब इसी तरह से कई आइलैंड और महाद्वीप का निर्माण हुआ था, लेकिन जब मैग्मा एक जगह से दूसरी जगह बह नहीं पाया तो समुद्री लहरों की वजह से कटाव का शिकार होकर पानी में घुलने लगेगा और जो ठोस जगह बन पाएगी वहां भी केवल राख ही राख होगी। वैसे तो आइलैंड के निर्माण से कई जीव जंतुओं को आसरा मिलता है, पर यहां नए जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन जब एक के बाद एक ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, उनसे निकलने वाली राख से पक्षियों का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और जीवन शुरू होने की जगह खत्म होने लगेगा। और ये विनाश यहीं पर नहीं रुकेगा, पानी में मिलाकर जहरीले कंपाउंड पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से सुनामी आने का खतरा बढ़ जाएगा। 2021 में एक विशाल ज्वालामुखी के विस्फोट हुए, जिसकी वजह से पूरे सीरिया में सुनामी की लहरें उठने लगी, पर इन लहरों ने कुछ ही पल में टोंगा आइलैंड को नष्ट कर दिया था। पानी के अंदर होने वाली लैंडस्लाइड की वजह से पानी के अंदर जीवन लगभग खत्म हो जाएगा और फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या दुनिया के किसी कोने में है समुद्र आपसे कितनी दूरी पर है? क्योंकि पानी में होने वाले परिवर्तन आप तक पहुंच जाएंगे। पूरी दुनिया की हवा में जहरीली गैस मिल चुकी होगी, समुद्र का पानी उबल रहा होगा, आपके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। कुल मिलाकर प्रलय आने का ये भी एक तरीका हो सकता है। दोस्तों, आजकल एक बात और देखी जा रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन अब जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो इन ज्वालामुखियों को रोकने वाला कोई उपाय है ही नहीं। तो खतरा केवल समुद्र के जल स्तर के बढ़ने का नहीं, बल्कि समुद्र के अंदर हुए ज्वालामुखी भी अब मानव जाति के विनाश के लिए तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मानव जाति का एक साथ आ रहे इतने सारे खतरों का सामना कर पाएगी? क्या ये मानव जाति के विनाश का समय है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।